फ्लॉलेस प्लमी रेडियंट स्किन हम सबका ड्रीम होता है और इससे हम अलग अलग क्रीम्स फेस वॉश और सोप यूज करके वो निखार या ग्लो चाहते हैं एंड दे डू अ ग्रेट जॉब इन मार्केटिंग बट वी ऑल नो ये इतना इफेक्टिव नहीं होते हैं। स्किन एक ऑर्गन की तरह है और तो और हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। हमारी बॉडी और माइंड जितना हेल्दी रहेगा उतना ही हेल्दी हमारी स्किन रहेगी। तो आज की वीडियो में हम 6 टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपकी स्किन को रेडिएंट बनाएंगे और लास्टली आई विल आल्सो शेयर 4 बोनस टिप्स। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नाउ लेट्स गेट राइट इनटू इट। टिप नंबर 1 फॉर हेल्दी स्किन, क्विट शुगर। शुगर एंड शुगरी फूड्स को क्विट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप सोच रहे होंगे कि शुगर और स्किन हेल्थ का क्या कनेक्शन। शुगर या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने पर हमारी बॉडी ये एक्स्ट्रा शुगर को यूज नहीं करती बल्कि ब्लड स्ट्रीम में ही रहने देती है। ये शुगर फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ आती है स्किन हेल्थ की बात। कोलाजन एक प्रोटीन है जो डिटरमाइन करता है कि हमारी स्किन का टेक्स्चर कैसा रहेगा। जितना ज्यादा कोलाजन उतनी ज्यादा स्मूथनेस और इलास्टिक हमारी स्किन। बट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कोलाजन को चिपक जाते हैं और ये कोलाजन को हार्ड बना देते हैं और हमें रिंकल्स आते हैं। फ्रूट या जो ड्राई फ्रूट में शुगर होता है वो ग्लूकोज जितना हार्मफुल नहीं होता, बट भारत में हम सबको चाय कॉफी चॉकलेट इतनी मिठाइयाँ खाने का मन करता है और इन सब में होती है प्रोसेस शुगर जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो रिमेंबर, चीनी कम तो रिंकल्स भी कम। टिप नंबर 2, हैव अ डाइवर्स डाइट। डाइट अच्छा हो तो स्किन अपने आप अच्छी रहती है क्योंकि स्किन भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन ही है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट टू मेंटेन इट्स टेक्सचर एंड टोन एंड हेल्थ। विटामिन्स लाइक ए ई सी डी जिंक कोलाजन ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। इसलिए आपको रेगुलर डाइट में रोज मिलेट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रेन्स ये सब इंक्लूड करना चाहिए। विटामिन ए डी ई एंड के फैट सोल्यूबल विटामिन्स कहते हैं क्योंकि इनको बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए फैट्स की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको डाइट में हेल्दी फैट्स इंक्लूड करने चाहिए। हेल्दी फैट्स को यूज़ करके बॉडी सही मात्रा में ऑयल प्रोड्यूस कर पाती है और इसी वजह से आपकी स्किन में ग्लो आता है। फैट्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर स्किन रिपेयर एंड रीजनरेशन। सो डाइटिंग के नाम पे हेल्दी फैट्स को अवॉइड बिल्कुल ना करें। दूध घी वॉलनट ड्राई फ्रूट चिया सीड्स को एक्टिवली आप कंज्यूम करें। और हम कॉस्मेटिक कंपनीज के फेवरेट विटामिन सी को कैसे भूल सकते हैं। विटामिन सी एक इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो यूवी रेडिएशन और पोल्यूशन से स्किन पे होने वाले जो डैमेज है या जो इम्पैक्ट है उसे कम करता है। पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स अनइवन स्किन टोन इनको कम करने के लिए स्किन केयर और कॉस्मेटिक कंपनीज बहुत ज़्यादा विटामिन सी की बात करती है। इसीलिए मैं अपनी योगा क्लास में सबको हर रोज़ 2 फ्रूट्स खाने के लिए कहता हूँ। विटामिन सी रिच फ्रूट्स जैसे कि आंवला ऑरेंजेस पाइनएप्पल लेमन कीवी ये सब अपने डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब सेल्यूलर हाइड्रेशन इज टिप नंबर 3। हमारी स्किन में 60% से ज़्यादा कॉन्टेंट इज वाटर, सो इमेजिन हाउ मच हाइड्रेशन आर बॉडी नीड्स। बट यहाँ मैंने हाइड्रेशन की बात नहीं कही है, सेल्यूलर हाइड्रेशन कहा है क्योंकि हम हाइड्रेशन के लिए पानी तो पीते हैं बट वो पानी हमारे सारे सेल्स में एब्जॉर्ब हो रहा है या रिटेन हो रहा है यानी हमें कभी कभी नहीं पता और यूरिन या स्वेट के फॉर्म में वो निकल जाता है। अगर सेल्स हाइड्रेटेड नहीं है तो हमारी स्किन ड्राई पैची डल दिखेगी। इसीलिए सिर्फ पानी पीने से नहीं होगा, उसके साथ आपको फ्रूट्स भी खाने पड़ेंगे। फ्रूट्स बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं जिससे वाटर रिटेंशन बढ़ता है। टिप नंबर 4, माय फेवरेट, एक्सरसाइज एवरी डे। स्किन हेल्थ अच्छी रखनी है तो एक्सरसाइज रोज करनी ही होगी। एक्सरसाइज करने से बॉडी के हर ऑर्गन तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है, ऑक्सीजन बढ़िया डिलीवर होता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़िया डिलीवर होते हैं और स्किन आपकी अच्छी हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण ये है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे स्किन की एज को बढ़ाता है लाइक एनी अदर ऑर्गन and this is why some people look beautiful and radiant even in their old age and some look aged even in their young age. Exercise, yoga और pranayam हमारे stress को कम करता है, साथ ही exercise के दौरान sweating से हमारे toxins भी निकल जाते हैं।
which directly cleans out our internal system. So definitely exercise every single day. Tip number 5, very important, sleep. Skin ko repair aur refresh hone ke liye achhi aur gehri neend ki zarurat hai. Aapne notice kiya hoga ki jab hum achhi neend lete hain, hame next day fresh aur glowing dikhte hain apne aap hi. Ise hi kehte hain beauty sleep. नींद के दौरान हमारी बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज करती है और स्ट्रेस को भी कम करती है. कोलाजन जिसकी हमने पहले बात करी, उसका सिंथेसिस के लिए भी स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नींद की कमी से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है जिससे स्किन इश्यूज, एक्ने, एक्जिमा और सोरासिस भी डेवलप हो सकता है. इसलिए इंश्योर करें कि आप अच्छे से अपनी नींद पूरी करें, टाइम पे सोए, टाइम पे उठे, अपनी हैबिट बनाए सोने की. एंड आवर फाइनल टिप इज get some sun every single day. This is a big secret to skincare. Now, very important here, I'm not talking about the harsh sun, but the sunlight, not the heat. Vitamin D हमें सूरज से ही सबसे ज़्यादा मिलता है और वैसे बॉडी में तो necessary होता ही है, but skin health में भी इसका बहुत ही important role है. Calcium absorption, bone health, immune function indirectly contributes to your skin health. स्किन बैरियर इम्प्रूव करने के लिए और स्किन सेल्स को प्रमोट करने के लिए भी वी नीड विटामिन डी. इट प्रिवेंट्स इन्फ्लेमेशन एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर मूड जिससे स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है और हैप्पी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. याद रहे, स्ट्रेस हमारी स्किन का सबसे बड़ा दुश्मन है एंड सन हमारा दोस्त. बट अगेन एज आई सेड, सन प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है. जो धूप हमें सहन होती है, रादर देन दैट मैं बोलूँगा सन हीट नहीं, सन लाइट हमें चाहिए. हमें धूप नहीं चाहिए, हमें लाइट रोशनी चाहिए. ये थे हमारे 6 ऐसे टिप्स जो आपके स्किन को अंदर से नरिश करेंगे. अगर आपको एजिंग को रिड्यूस करना है तो उस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बना रखी है. मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो आउट, द लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन. लास्टली आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर सम क्विक बोनस टिप्स टू एनहेंस योर स्किन हेल्थ. फर्स्ट, केमिकल प्रोडक्ट से जितना दूर रहे बेहतर है. ऑलवेज फोकस मोर ऑन हेल्दी एंड नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स. सेकेंड, हेल्दी डाइट के साथ मील टाइमिंग्स पे भी एक्टिवली ध्यान दे. इससे इंसुलिन प्रोडक्शन बैलेंस होता है एंड दिस मेंटेन्स आवर स्किन हेल्थ इनडायरेक्टली. अवॉइड हॉट एंड स्टीमिंग शावर्स. हमें गर्म पानी से नहाना पसंद है बट आवर स्किन डज नॉट लाइक इट वेरी मच. इट गेट्स ड्राई और साथ में स्किन का नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन सप्रेस हो जाता है. सो ऑलवेज हैव वार्म बट नॉट हॉट शावर्स. फेस के लिए आप कोल्ड वाटर ही यूज कर सकते हैं. एंड फोर्थ, ईट बिफोर यू लीव द हाउस. ये एक टिप स्किन हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड बिल्कुल नहीं है बट इनडायरेक्टली ये बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है. पैकेज फूड, मैदा, पाम ऑयल और जो इनडायरेक्ट एनिमीज है हमारे स्किन के, तो इसलिए क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए सिंपल सॉल्यूशन है, घर में ही खाना खा ले. और घर से बाहर निकलने से पहले हमारा पेट भरा रहेगा तो हम बाहर कम जंक फूड खाएंगे. And that was about it. I'll repeat again. Skin health is direct reflection of our internal health. So rather than focusing on some quick tips occasionally, focus on healthy lifestyle. Skin automatically achhi rahegi. Thank you so much for watching this video. And if you like this video, you might also want to check this one.